ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार प्रमाणित हो चुका है। ईडी ने बता दिया कि किस अधिकारी के घर से कितना केस मिला और कितना सोना मिला। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास का काला अध्याय बता दिया। मामले को लेकर सोमवार को महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद साहू ने कहा कि ईडी के प्रेस नोट ने छत्तीसगढ़ में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट की पोल खोल दी है। हम सभी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का, किसानों का, आम जनता की मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाएगा। एक तरफ सरकारी योजनाओं को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार अपनी सारी सीमाएं लांघते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इतिहास के लिए एक काला अध्याय है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार के लिए पूरा रैकेट बनाया गया है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह, व्यापारी, राजनेता और बिचौलिए जुड़े हैं। प्रेस नोट की और लगातार ईडी के छापे छत्तीसगढ़ में पड़े और जो भ्रष्टाचार का पोल खुला और मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, तो इस एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने नैतिक अधिकार खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग करती है। जिस प्रकार से ईडी ने अपने प्रेस नोट छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ में जो ईडी के छापे में नकदी मिली, जवाहरात मिले, जिस प्रकार से कबूलनामा हुई,